प्रेमानंद महाराज कौन है? प्रेमानंद महाराज के बारे में चार बातें। श्री हिट प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। प्रारंभिक बचपन, एक अव्यक्त आध्यात्मिक जीवन। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में सन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उसके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे पांचवीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। वह इस विचार से द्रवित हो उठा कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है, और यदि नहीं है तो अस्थायी सुख में क्यों लगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे नौवीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस नेक काम के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया।